स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में यीशु से मुलाकात। यीशु मसीह के जीवन के अनेक पहलुओं को हमने देखा है और आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन, क्या यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करता था? आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि यीशु मसीह जो पवित्र था, निष्पाप था, बेगुनाह था, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, क्या वो भी प्रार्थना करता होगा? आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब बात प्रार्थना की आती है, दुनिया के आप किसी भी ऐसे इंसान को देखिए जो प्रिय है, जो हर दिल अजीज़ है, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसको जिम्मेवारियां मिली हैं, जिसका सम्मान है, निश्चय ही वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। आप उसके जीवन को गरीब से देखिए, निकट जाकर आप महसूस करेंगे कि उसके जीवन का जो कार्यक्रम है, प्रतिदिन का कार्यक्रम, उसमें एक स्थान, एक समय प्रार्थना का अवश्य मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश के महात्मा गांधी के जीवन में प्रार्थना का बहुमूल्य स्थान था। वो सारे कार्यों को छोड़ सकते थे, भूल सकते थे, लेकिन उनकी प्रातःकालीन और संध्याकालीन प्रार्थना निश्चय ही समय पर होती थी। मेरे प्रियो, हम इन महापुरुषों के जीवन से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि प्रार्थनाहीन मसीही शक्तिहीन मसीह होता है। जो प्रार्थना नहीं करता है उसके पास शक्ति नहीं होती है, अर्थात शक्ति प्राप्त करने का, सामर्थ्य प्राप्त करने का जो माध्यम है वो है प्रार्थना। और अगर हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें जयवंत करती है, जो दिन भर के कार्यों को हैंडल करने में हमारी मदद करती है, हम बिना घबराए हुए सारे कार्यों को कर सकते हैं, यदि हमने हर दिन की शुरुआत, उस दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ की है, परमेश्वर की निकटता में समय बिताया है, तो निश्चय ही दिन भर परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, और जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो आशीषित होगा। वो हमारे जीवन में एक अंतर को देखेगा कि ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये पुरुष दूसरों से अलग है, और अलग वो इसलिए है कि उसने प्रातःकालीन समय निकाल कर अपने परमेश्वर की निकटता में समय बिताया है, प्रार्थना की है, परमेश्वर को साथ लेकर वो चल रहा है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो प्रार्थना जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरी सार्वजनिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना जो आप एकांत में परमेश्वर के साथ करते हैं वो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। व्यक्तिगत प्रार्थना में आप अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर से कह सकते हैं, कोई और वहाँ पर नहीं होता है जो आपकी बातों को सुने। और हो सकता है कि जब आप पब्लिक में प्रार्थना करते हैं, सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते हैं, तो आप सारी बातों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एकांत में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ आप अकेले में होते हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना कहलाती है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत समय व्यक्तिगत प्रार्थना में बिताया करते थे, उनकी सार्वजनिक प्रार्थनाएं बहुत बड़ी नहीं होती थी। दूसरे प्रकार की जो प्रार्थना है वो है हमारी सार्वजनिक प्रार्थना, जो पब्लिक में लोगों के बीच में हम करते हैं, जैसे कि भोजन की प्रार्थना, और अलग अलग समय पर हम लोग सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं वो पब्लिक प्रेयर या सार्वजनिक प्रार्थना कहलाती है। आइए हम यीशु मसीह के जीवन में इस पहलू को देखें, जबकि हम अपने प्रभु से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु से मुलाकात, यीशु के जीवन का प्रार्थना में पहलू को आज हम देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास बहुत थोड़ा समय था और बहुत अधिक काम था। उसके पास केवल 3.5 वर्ष का समय था और एक बहुत बड़ा कार्य उसके हाथ में था कि अनजान और अनपढ़ लोगों को ट्रेंड करके शैतान के राज्य को चुनौती देनी थी, शैतान को चुनौती देनी थी और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करनी थी। बहुत थोड़ा समय था उसके पास, लेकिन उसने कभी भी प्रार्थना के समय को नज़रअंदाज नहीं किया। आप कई बार कहते हैं, मैं जानता हूं जब मैं लोगों से बात करता हूं,
आपको प्रार्थना करने के लिए समय निकालना चाहिए। तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रार्थना कर सकें, हमारे पास समय नहीं है कि हम बाइबल का अध्ययन कर सकें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की संगति को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप सारे कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, टेलीविज़न देखने के लिए आपके पास समय है, अखबार पढ़ने के लिए आपके पास समय है, मोबाइल और फ़ोन पर घंटों बातें करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं है, आश्चर्य की बात है। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। यदि आज आप शक्तिहीन हैं, यदि आज आपके पास कोई गवाही नहीं है, यदि आप अपने जीवन से, अपने प्रचार से किसी को प्रभु के निकट नहीं ला पा रहे हैं, तो सीधा सा कारण है आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, अर्थात आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ पाने का एक ही तरीका बताया है, वो है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय अपने चेलों से कहा कि इस यरूशलम को मत छोड़ना, प्रार्थना करते रहना और तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ पाकर तुम सारे संसार में मेरे सुसमाचार को प्रचार कर सकोगे। तो हम समझ सकते हैं कि सामर्थ पाने का तरीका है प्रार्थना। घुटनों पर जाएं, उपवास में समय बिताएं, खाना पानी तमाम चीज़ों को अलग करें, एकांत में परमेश्वर के सम्मुख रहें, उसके वचन को पढ़ें, उससे बातचीत करें और प्रार्थना करें, आपका जीवन सामर्थ से भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इस पहलू को आप मेरे साथ देखें। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह सुबह की प्रार्थना में समय बिताया करता था। जब उसके चेले सो रहे होते थे तो वो जल्दी उठता था और जल्दी उठकर वो एकांत स्थान में कहीं अकेले में चला जाता था और घंटों परमेश्वर से बातचीत करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर की महिमा में गीत गाता था और परमेश्वर से वो बल और सामर्थ प्राप्त करके वो दिन भर के सारे कार्यों को करता था। आप याद करिए, आप देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी असफल नहीं हुआ, किसी भी आजमाइश में वो नहीं गिरा। लोगों ने उसको बहुत सी समस्याओं में, बहुत सी बातों में फंसाना चाह, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं गिरा, क्योंकि उसने कभी भी सुबह की प्रार्थना को नज़रअंदाज नहीं किया। चाहे वो कितना ही थका हुआ हो, चाहे वो रात भर उसने नींद उसे मिली हो या ना मिली हो, लेकिन सुबह को हमारा प्रभु घुटनों पर पाया जाता था, पिता से प्रार्थना करता था, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया था। मेरे और आपके समान वो कमज़ोर था, लेकिन उसने परमेश्वर से बल और सामर्थ को प्राप्त किया और उसने प्रार्थना में समय बिताया। ये हमने देखा उसके भोर के प्रार्थना करने का। अब हम इसके मरकुस के 6 में हम चलेंगे, 46:47 पढ़ेंगे और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो संध्याकालीन प्रार्थना में पाया जाता है। पढ़ते हैं, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब सांझ हुई तो प्रभु यीशु मसीह के चेले झील में, नाव में जा रहे थे, सारी भीड़ चली गई थी, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एकांत में, अकेले में प्रार्थना कर रहा था। शाम को प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को सारी बातों के लिए वो धन्यवाद देता था। जो दिन भर में तमाम भलाइयाँ परमेश्वर ने की, जो महान कार्य उसके द्वारा किए, उन सारी बातों के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देता था और प्रार्थना करता था, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करता था। इस प्रकार वो बल प्राप्त करता था। हम में से कितने लोग हैं जो आवश्यकता में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, जब यात्रा शुरू करते हैं कहते हैं प्रभु हमारे साथ रहिएगा, हमारी रक्षा करिएगा, और जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो खाने पीने में, नाच रंग में लग जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं।
हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह से जब हम मुलाकात कर रहे हैं, उसके जीवन का इस पहलू को हम देख रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि किसी कार्य को शुरू करते समय जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही उसको समाप्त करते समय भी हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो और शैतान किसी भी रूप से हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके। यीशु मसीह सुबह को प्रार्थना करता था, यीशु मसीह शाम को प्रार्थना करता था। आइए मेरे साथ लूका 6 अध्याय में चलें और 12 पद हम पढ़ेंगे, और वहां हम पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह रात में प्रार्थना करता था। पढ़ते हैं, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात प्रार्थना की प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए। क्या आपने कभी पूरी रात प्रार्थना की है? अगर नहीं की है तो करके देखिए, आप अपने जीवन में एक अनोखे आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमें और आपको जीवंत जीवन जीना है। अगर बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है, तो एक ही तरीका है, हमें वो सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ मिलेगी प्रभु यीशु मसीह से, और वो मिलेगी प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु ने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई विशेष कार्य किया, उसने रात भर प्रार्थना की और अगले दिन उसने महान कार्यों को अंजाम दिया। मेरे प्रियो, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रभु है आपको पुकार रहा है, अपने जीवन से वो आपको साक्षी दे रहा है, आपको एक नमूना दे रहा है, क्या आपके जीवन में प्रार्थना पाई जाती है? मेरे प्रियो, आइए हम इसी का 5 अध्याय लूका 5 अध्याय 16-17 पद भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो भीड़ से गिरा हुआ है। पढ़ते हैं, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 5 अध्याय 15 और 16 पद हमने पढ़ा है। जब इंसान पॉपुलर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, भीड़ उसके चारों तरफ रहती है, वो परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ घूमती थी, लेकिन वो एकांत में अकेले में जाकर प्रार्थना कर रहा होता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को देखिए, अपने जीवन में उसके नमूने को आप लागू करिए, आपका जीवन सचमुच आनंद से भर जाएगा। क्योंकि जब आपको कामयाबी मिल जाती है तो आप घमंड से भर जाते हैं, आप प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस नहीं करते, और वहीं पर शैतान आपका पतन कर देता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, यहोशू के जीवन को देखिए। यहोशू एक बहुत अच्छा लीडर था, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसी गलतियां हो गई। एक गलती जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कुछ लोग उसके पास भेष बदल कर आए, उन देशों के लोग थे जिनके ऊपर यहोशू और इसराइली सेना को आक्रमण करना था, उनको ख़त्म करना था, भेष बदल कर यहोशू के पास आए और यहोशू से कहा, बहुत दूर से आए हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। यहाँ पर यहोशू ने और उन नेताओं ने जो अगुए लोग थे परमेश्वर की राय नहीं ली और उनसे संधि कर ली। मेरे प्रियो, ये गलती उससे हो गई, क्योंकि उसने वहाँ पर परमेश्वर को नहीं पुकारा। उससे पहले परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जीत उन्हें दी थी, उन्होंने यरीहो को जीता था। मेरे प्रियो, बहुत सावधान रहें, जब आप कामयाबियों को हासिल करते हैं, ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं, परमेश्वर को और प्रार्थना को कभी भी ना छोड़ें। हर कार्य की शुरुआत प्रार्थना से, हर कार्य की समाप्ति प्रार्थना से हो, हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से और हर दिन की समाप्ति प्रार्थना और सामूहिक आराधना से होनी चाहिए। आप अब्राहम के जीवन को देखें, जितने भी परमेश्वर के जन हुए हैं उनके जीवन को देखें, उन सब के जीवन में प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना का बहुमूल्य स्थान रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है? क्या आप हर सुबह की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं? क्या आप शाम को अपने परिवार को इकट्ठा लेकर बैठते हैं और उनके साथ आप वचन का अध्ययन करते हैं, स्तुति प्रशंसा के गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं, तो आज और इस वक्त फैसला करिए कि आप
आज से ही इस कार्य को शुरू करेंगे और उसे कभी भी समाप्त नहीं करेंगे। अपने आत्मा के उद्धार की जिम्मेवारी पासवानों पर मत छोड़िए। कभी भी आप ये मत सोचिए कोई दूसरा आकर आपके परिवार को और आपको आत्मिक बातें सिखाएगा। आपको स्वयं संघर्ष करना है और आपको प्रार्थना का जीवन जीना है और परमेश्वर से जय प्राप्त करनी है, बल प्राप्त करना है और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। हमने जो अब तक देखा ये यीशु मसीह के व्यक्तिगत प्रार्थना का चित्रण था। अब हम यीशु मसीह के सामाजिक प्रार्थना के बारे में हम देखेंगे जो उसने खुलेआम प्रार्थना की। मैं पढ़ूंगा लूका 3 अध्याय और उसका 21 पद। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद खुले रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह की जो प्रार्थनाएँ होती थी वो संक्षिप्त प्रार्थनाएं होती थी जब वो पब्लिक में करता था। आइए मैं आपको और योना 11 अध्याय में लेकर चलूं 41 पद। और आपको याद होगा कि योना 11 अध्याय में लाजर के जलाए जाने का जिक्र है और यहाँ पर योना 11:41 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कितनी छोटी प्रार्थना उसने की, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, जो हमारी सामाजिक प्रार्थनाएं हैं, पब्लिक प्रार्थनाएं हैं, वो छोटी होनी चाहिए। वो तभी होंगी जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय को बिताएंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना में समय को बिताएं, जिस तरह से हमारे प्रभु ने प्रार्थना में समय को बिताया था। आइए एक और जगह पर हम चलते हैं, मत्ती 6 अध्याय में हम पहुँचेंगे और 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बताया हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आप अन्य जातियों के समान दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्तिगत रिश्ता है जो एकांत में होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए एकांत में। कोई रिश्ता जो परमेश्वर के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि वो एकांत में होता है तो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। हर एक मसीही को जो अपने आप को मसीही कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहता है, जिसका नाम चर्च के किसी रिकॉर्ड में पाया जाता है, उसके जीवन में प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठी में जा, अपनी कोठरी में जा, अर्थात प्रार्थना का एक स्थान होना चाहिए। और तीसरी बात प्रभु यीशु ने कही कि अपना घर का दरवाजे को बंद कर दे, यानी प्रार्थना एकांत में होनी चाहिए। और चौथी बात ये कि तब तू अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में देखता है और वो तुझे खुले रूप में प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु से आज की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को हम देख रहे हैं। हमारा प्रभु प्रार्थना का करने वाला प्रभु था और इसीलिए वो इतना कमज़ोर होने के बावजूद, एक मनुष्य होने के बावजूद वो एक जीवंत जीवन बिता सका। ऐसा कोई कार्य है जो यीशु मसीह ने किया हो, ऐसा नहीं है कि आप ना कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कुछ मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े कार्यों को करेगा। कैसे? जब हम यीशु मसीह के समान प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, आंसू और घुटनों के साथ प्रभु के निकट रहेंगे, अपने पापों का हर दिन पश्चाताप करेंगे, उसकी दया और उसकी करुणा के लिए हम पुकारते रहेंगे, प्रभु हम पर दया करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम पर दया करे, हमें जयवंत जीवन दे,
हमें वो ऊपर उठाए, हमें बुलंद करे, हमें विजयी बनाए, क्योंकि हमारे विजयी होने से प्रभु को महिमा मिलती है, हमारे सामर्थ्य होने से हमारे प्रभु को महिमा मिलती है। प्रभु हर एक उस कार्य को करेगा, आपकी हर एक उस प्रार्थना को वो सुनेगा जो उसकी महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना हमारा काम है, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हाँ में देता है, बहुत अच्छी बात। अगर वो उत्तर ना में देता है तो भी अच्छी बात, और अगर वो कहता है इंतज़ार करो तो भी अच्छी बात है। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई बार परमेश्वर हाँ में उत्तर देता है और आपको जो चाहिए वो दे देता है। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ना में उत्तर देता है लेकिन आपको कुछ बेहतर देता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहता है इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो, तो वह आपको सर्वोत्तम देता है। ऐसा आप अपने जीवन में देख लीजिए। कई बार हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता लेकिन उससे बेहतर मिलता है, और कई बार जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो हमें सर्वोत्तम मिलता है। मेरे प्रियो, हन्ना ने, एलिजाबेथ ने और सारा ने, इन स्त्रियों ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें सर्वोत्तम दिया। मेरे प्रियो, दाऊद अपने बेटे के लिए, जो उरिया की पत्नी से जो पहला बेटा पैदा हुआ था, उसके लिए वो प्रार्थना करता रहा लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर ना में दिया, वो बेटा बचा नहीं। लेकिन उसके बदले परमेश्वर ने उसको सुलेमान दिया, सुलेमान उससे बेहतर दिया और वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा हुआ। मेरे प्रियो, ये बुलाहट आपके लिए है। प्रभु की बाहें आपको पुकार रही हैं, वो आपको बुला रहा है, वो आपको एक चैवंत जीवन देना चाहता है, आपको एक विजयी जीवन देना चाहता है, सामर्थ्य जीवन देना चाहता है, और वो कहता है कि हे मेरे प्रियो, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। वो आपको जैवंत जीवन देना चाहता है। क्या आप उसकी पुकार को सुनेंगे? प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे, उससे कहेंगे, प्रभु आज तक मैंने लापरवाही की है, आज तक मैंने इस बात को महत्वपूर्ण नहीं जाना कि मेरे घर में एक वेदी होना चाहिए, प्रार्थना का स्थान होना चाहिए, प्रार्थना का एक समय होना चाहिए, प्रार्थना एकांत में होनी चाहिए और पिता से प्रार्थना करना चाहिए। आज मैंने जाना है, आज मैंने सीखा है और अभी से मैं पश्चाताप करता हूँ और एक नई शुरुआत करता हूँ। प्रभु में बने रहिए। जब आप थोड़े दिन इसको, प्रार्थना को करते रहेंगे, आपको आनंद आएगा, लोग आपके जीवन में एक अंतर को देखेंगे, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर में शांति रहेगी, जो भी आएगा आशीषित होकर जाएगा और परमेश्वर आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाएगा, आपको बुद्धि देगा और आपको बहुत से फालतू के खर्चों से बचाएगा और आपको एक आदरणीय जीवन देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? क्या आप उसे पुकारेंगे और उससे कहेंगे, प्रभु मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ, मेरे दिल में आइए, मुझे सिखाइए कि मैं प्रार्थना कैसे करूँ। आखिरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रार्थना करने के लिए कोई ट्रेनिंग हो, आपको जो दिल में आए प्रार्थना में परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, मेरी विनती है इन लोगों को आप प्रार्थना का जीवन दें जिन्होंने आज प्रार्थना करने का फैसला किया है, इनके घरों को खुशहाल करें, इनके जीवनों में आनंदित होने दें प्रभु जी, और इन सबको आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।